पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है कुछ लोगों के घरों में जो है वहां पर छापेमारी की है, रेड डाली है, और बताया जा रहा है कि जिनके घरों में ये छापेमारी की गई है वो गैर कानूनी जो है कामों में जो है उनके जो है उनका नाम जो है वो सामने आया है। कुछ तस्वीरें जो है वो भी इस वक्त हमारे पास पहुंच पाई है, तस्वीरें भी हम देखेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे भी पूरी जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सनी, हमें बताइए क्या कुछ जानकारी है, किन लोगों के घरों में ये छापेमारी की गई है, कौन-कौन से नाम सामने आए हैं? जी चेतना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार इन पर जो है एसआईए की जो है वो नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह के नाम जो है वो सामने निकल के आ रहे थे। और आज सुबह होते ही सुबह लगभग 6 बजे एसआईए की जो टीम है वो पहुंच पहुंची, और पहुंच पहुंचते ही एक तो कनुइया के इलाके में एसआईए की तरफ से रेड की गई, और दूसरी जलास का बेरे का इलाका है जहां एसआईए ने ये रेड की है। और बताया जा रहा है कि ये जो रेड हुई है एक ही फैमिली के लोग हैं, दोनों भाई हैं जिनके घर पर ये रेड की गई है। एक के नाम मोहम्मद हाफिज बताया जा रहा है, और दूसरे का मोहम्मद मोहम्मद इफसान जी, बताया जा रहा है मोहम्मद शायद, हाफिज। तो हाफिज जी बताया जा रहा है, उनके घर पर ये रेड की गई है। और ये पिछले कई दिनों से लगातार इन पर नजर बनाए थे, क्योंकि इससे पहले भी जो बताया जा रहा है कि ये किसी पहले ही किसी केस में जो है वो इन्वॉल्व थे, और इन्हें पहले भी जो है वो जेल होके आए हैं, इस तरह की एक्टिविटी में पे भी शामिल रहते थे। कि उसके बाद आज एसआईए की तरफ से जब इनके घर पे रेड हुई है, अभी तक जो है वो पूछताछ बड़े पैमाने पे के घर से घर पे चल रही है, कुछ इनके घर के जो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है, कुछ डॉक्यूमेंट जो बताया जा रहा है वो भी हिरासत में लिए गए हैं। वहां पे जितने भी पुलिस के लोग खड़े हैं, अब आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि मैं खुद इस समय जलास के बेरे का जो इलाका है वहां पर मौजूद हूँ, आगे नहीं जाने दिया जा रहा, पर बड़े पैमाने पर अभी भी पूछताछ जो है वो चल रही है। बिल्कुल, लेकिन सर ये क्या कोई गिरफ्तारी भी हो सकती जी है, अभी या फिर तक क्या कोई कोई संभावना भी है कि कोई? जी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है, पर पूछताछ बड़े पैमाने पर अभी भी चल रही है। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लगातार जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें या फिर एनआईए की बात करें, तो जो भी लोग गैर कानूनी गतिविधियों में पाए जाते हैं और एंटी जहां पर बात करते हैं एंटी नेशनल गतिविधियों में भी अगर कोई भी सामने आता है नाम, तो उस पर जो है इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जो है इनकी तरफ से की जा रही है। और पुंछ की अगर बात करते हैं तो पुंछ में भी कई जगहों पर आज छापेमारी की गई है, जिसमें मोहम्मद हाफिज जो कि कानुआ का रहने वाला है और अब्दुल हामिद जो कि झुलास भेरे का रहने वाला है, इन दोनों के घरों में भी एसआईए की तरफ से आज छापेमारी जो है की गई है। और ये इसमें से मोहम्मद हाफिज जो है ये कई बार गैर कानूनी जो है कामों में जेल भी जा चुका है, और इस पर पहले भी कई बार जो है इसी तरह की कार्रवाई जो है हो चुकी है। कुछ और तस्वीरें जो है हम पर हमारे तक जो है पहुंच पाई हैं, जहां एसआईए जो है इन घरों में जाकर छापेमारी कर रही है, तो आप ये विजुअल देखिए। Gracias.